हाउ टू ग्रो बियर्ड इन जस्ट वन डे, एक दिन में दाढ़ी को कैसे उगाया जा सकता है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है ताकि आपको भी पता चले कि एक दिन में आपकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो सकती है, आ सकती है, फिर नहीं आ सकती है। तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लोग सपने में सोचते हैं कि एक दिन में दाढ़ी को कैसे उगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप मेरा ट्रीटमेंट करोगे तो आपके एक दिन में ही आपकी बियर्ड ग्रोथ होने लग जाएगी, दाढ़ी आने लग जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा वो आपको पूरा वीडियो में आपको अच्छे से जानना पड़ेगा और अच्छे से आपको समझना पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले दो चीज़ लेके आना मार्केट से। तो पहला आपको एलोवेरा जेल आपको लेके आना, या आप पतंजलि का लेके आ सकते हैं, पर जो भी आपको मिल रहा है वो आप लेके आ सकते हैं एलोवेरा जेल। या फिर अगर आपके घर पर ही एलोवेरा जेल का अगर पेड़ है तो आप उसमें से भी निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, इससे तो 100% अच्छा होता है। फिर आपको लेके आना मेडिकल क्रीम, पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम। ये क्रीम आपके हेयर की ग्रोथ करने के लिए यूज़ की जाती है। ये दोनों अगर आपके पास है तो आप एक दिन में ही दाढ़ी उगाना चालू कर सकते हैं। अगर आपने आज आपने ये ट्रीटमेंट किया जो मैं आपको बताऊँगा तो कल से आपकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी, ये मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको एलोवेरा जेल आपको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको नॉर्मल वाटर से, सिंपल पानी से आपके फेस को वॉश करना है, पूरे फेस को गीला करना है। उसके बाद आप एलोवेरा जेल लें, निकालें हाथ पे और आपके हाथों से स्क्रब करें, मसाज आप चालू कर दें। जितने भी आपका पूरा फेस है पूरे फेस पे आप कर सकते हो, जिससे कि पिंपल्स भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी स्किन पे जो डस्ट, धूल, मिट्टी वगैरह जो भी आती है वो रिमूव होने लग जाएगी। कम से कम आपको 5 से 6 मिनट तक स्मूथली मसाज करना है, जिससे कि आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट आप कर सकते हैं, 5-10 के बीच में आपको करना है। ये करने के बाद आप पानी से आपके फेस को वॉश कर लें, पानी से, सॉफ्ट शैम्पू, फेस वॉश जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आपका फेस जो है वो फ्रेश हो जाएगा, यानी आपका फेस क्रीम लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो आपको फिर पेंड्रम प्लस प्लस क्रीम रात को लगा के आपके फेस पे सोना है। आप जहाँ पर भी बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो या फिर आप अगर पूरे फेस पे लगाते हो तो इससे आपका फेस गोरा हो जाएगा, बट अगर आप बियर्ड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो ये आप ट्रीटमेंट में लगाएं, बियर्ड पर 1-2 मिनट तक मसाज करें, इसको लगा के मसाज करना है स्मूथली, ताकि ये आपकी स्किन के अंदर जाए और आपकी दाढ़ी के बाल ग्रोथ करे। तो आपको नाइट में ट्रीटमेंट करना है, डे में आपको नहीं करना, डे में साइड इफेक्ट हो सकते हैं। लोग इसकी वैसे बुराई भी करते हैं कि इसके खतरनाक साइड इफेक्ट होते हैं, मुझे भी हुए हैं पहले, बट जब आप इसको सही तरीके से लगाओगे, जैसे कि आप नाइट में लगाओगे और सुबह उठने से पहले आप आपके फेस को वॉश कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी जो दाढ़ी है वो बहुत जल्दी से ग्रोथ होने लग जाएगी। तो ये दोनों ट्रीटमेंट से आप बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं, 100% आपकी बियर्ड ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बोला, इन जस्ट वन डे, एक दिन में ही आपकी दाढ़ी चालू हो जाएगी, आपको दिखने लग जाएगी। आप कैसे समझ सकते हैं, आप अब जब ये दोनों ट्रीटमेंट करना चालू करें तो उससे पहले आप आपकी बियर्ड की शेप करें, दाढ़ी को काटें, जिससे कि आपका पूरा क्लीन फेस हो जाए। इसके बाद से आप दिन गिनना स्टार्ट करें, एक ही दिन में आपके बियर्ड के हेयर्स उगने चालू हो जाएंगे और उगने के साथ साथ जैसे आप ये ट्रीटमेंट जब तक करोगे तब तक आपकी बियर्ड फुल काली घनी मोटी रहेगी। तो 3 से 4 महीने में आपके पूरे फेस पर ब्लैक बियर्ड हो जाएगी, पूरा फेस आपका ब्लैक हो जाएगा दाढ़ी के बालों से, ना कि आपका फेस, दाढ़ी के बाल पूरे आपके आ जाएंगे। पैची बियर्ड की प्रॉब्लम हो, एक भी बाल नहीं है, दाढ़ी के बाल पतले हैं, अगर वो भूरे सफ़ेद हो रहे हैं तो आप ये ट्रीटमेंट करें, आपकी दाढ़ी के बाल काले घने मोटे आने चालू हो जाएंगे। 100% गारंटी मैं दे रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट आप करें। अगर प्राइस की बात करें, 100 रुपये का ही आता है, 50 रुपये का ही आता है, 150 रुपये आपको एक महीने ट्रीटमेंट हो जाएगा, बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है, बियर्ड ऑयल से तो सस्ता ही है। और अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले, गलती से हो जाए, तो आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें। ये आपको लगाना है कंटिन्यू, कंपलसरी है, इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्रीम से थोड़े से नुकसान होते हैं, जैसे ही आपको नुकसान देखने के लिए वैसे ही आप इसको लगाना बंद कर दें। और अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर है वो ही लोग इसका यूज़ करें, 18 से कम वाले प्लीज़ इसका यूज़ ना करें, नहीं तो आपकी स्किन पर थोड़े से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, साइड इफेक्ट होंगे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप केयरफुल होकर इसका यूज़ करें। आइए भी वीडियो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू अगेन।